पौलुस और सिलास और जब प्रेरितों के काम के अंदर सेवकाई हो रही है उस समय मैं निकालना चाहूँगा प्रेरितों के काम 15वां अध्याय और उसके 36 पद से 41 पद तक। मैं पौलुस के जीवन को आपके सामने आज लाना चाहता हूँ। पौलुस जैसा बोला ना आपने, पौलुस जैसा, कितने लोग पौलुस जैसा बनना चाहते हैं? हाँ तो आप सुनो, हालेलुया। चलिए भैया पढ़ना चालू करें कोई। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और 36वां वचन। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें। चलो जी दोबारा फॉलो अप करें, कोई भी काम हम करें उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। पौलुस ने यह सिखाया, जिन जिन नगरों में हम पहले गए हैं, सुसमाचार सुनाया है, चलो दोबारा चलकर उस जगह को देखें। ठीक है, जिसको आपने सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार सुना के छोड़ दिया, बोलना नहीं है उसको, फॉलो करना है, फॉलो अप करना है उसको। ठीक है, आगे पढ़ो। कि वे कैसे हैं, उनकी हालचाल जा रहे हैं, वो प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे कि नहीं जा रहे, आराधना में जा रहे कि नहीं जा रहे। हम विश्वासियों की ड्यूटी है ये, बोल तो दिया पौलुस जैसा बना दे, अब बढ़ो। फॉलो करो उसको, आप लगातार फॉलो अप देते रहेंगे, निश्चित रूप से एक दिन वो विश्वासी खंबे बन जाएंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है, सुनाया था, आओ हम उनमें चलकर देखें कि वे कैसे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। आगे, तब बरनबास ने यहुन्ना को, बरनबास पौलुस का साथी है, सेवकाई में साथ देने वाला चेला है, उसने यहुन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। क्या कहा, मरकुस को साथ ले लेते हैं अपन, लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था, मरकुस का एक प्रॉब्लम था, मरकुस कुछ दिनों पहले उनसे किसी कारण से अलग हो गया था। और वैसे बताऊं आपको, स्कॉलर ऐसा कहते हैं कि पौलुस के साथ उसका कुछ किसी बात को लेकर मतभेद हुआ, टंटा हो गया। कई बार हम विश्वासियों के साथ टंटा हो जाता है। पौलुस का भी हुआ ना, अभी बोला ना पौलुस जैसा बना, अब बनो, मैं बताता हूं कैसे बनते हैं। कलाम केवल सुनने के लिए नहीं है माय डियर, उस पर चलने के लिए है। यहां लिखा है, और पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, और मरकुस ने मना कर दिया होगा किसी काम पे साथ जाने के लिए, इसलिए पौलुस का दिल दुखी हो गया और पौलुस ने इमोशंस में या जो भी है उसमें उसको बोला, आज के बाद तुम हमारे साथ मिनिस्ट्री में कहीं नहीं जाओगे। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? ऐसा ही हुआ ना। पढ़िए क्या लगा, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। पौलुस से वो अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। पौलुस के दिल में था कि नहीं, वो व्यक्ति को साथ नहीं ले जाना है। क्यों? उसने पिछली बार मना कर दिया था, यही टंटा था, बस इतना ही ध्यान रखो बस। कई बार आपके जीवन में भी आप आपस में कई टंटे खड़े कर देते हैं और फिर उन टंटों में आप जीवन जीते रहते हैं, और उससे क्या होता है मालूम है? कुछ नहीं होता है, अभिषेक आपका खराब होता है। आप जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले होते हो उसमें कमी आ जाती है, अभिषेक बिगड़ता है। लेकिन पौलुस ने आगे क्या करा जरा देखेंगे। अतः ऐसा विवाद उठा। क्या उठा? अच्छा, विवाद पहले की कलीसिया में भी होते थे, पौलुस के जमाने में भी हुए हैं, तो विवाद होना लाजमी है, हो सकता है, पर विवाद में पड़ा रहना गलत है। विवाद होना
जहां चार बर्तन होंगे आवाज तो होगी खड़क खड़क हूं, लेकिन बार बार ही खड़कते रहे वो नहीं होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ो। कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, वे एक दूसरे, इतना टंटा हुआ, इतना विवाद हुआ कि वे एक दूसरे से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक दूसरे से वो क्या हो गए, अलग हो गए। आगे, और बरनबास मरकुस को लेकर, और बरनबास ने बोला ठीक है पौलुस भैया, अगर आपकी मरकुस भैया से नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, मैं मरकुस को लेकर कहीं और चला जाता हूं। अब बरनबास के अंदर भी देखो आप प्रभु का आत्मा, उसने एक कमजोर व्यक्ति को छोड़ा नहीं, या जिसके साथ पौलुस का टंटा हो गया उसको उसने छोड़ा नहीं। एक मन है ऐसा, ये मन है। चलिए आगे पढ़ा क्या लिखा है। जहाज पर साइप्रस को चला गया और उसके बाद, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया। पौलुस ने नया व्यक्ति चुन लिया। पौलुस ने किसको चुन लिया? बरनबास ने जब साथ छोड़ दिया, बरनबास ने जब मरकुस को अपने साथ ले जाने का इच्छा प्रकट की और पौलुस ने उस पर विवाद खड़ा कर दिया और कहा नहीं वो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो मेरे साथ स्टेज पर नहीं चढ़ेगा, मेरे साथ सुसमाचार की सेवा में नहीं जाएगा, तो बरनबास ने मरकुस को लेकर अलग चला गया और पौलुस ने एक नया साथी चुन लिया जिसका नाम है सिलास। चलिए अब अगर हम 41 पद भी पढ़ दीजिए। और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ, सीरिया और किलिकिया, और किलिकिया से होते हुए निकला। अब यहां टंटा हो गया पौलुस का, पर पौलुस ने क्या एक्शन लिया? क्या हमेशा उसको वो गांठ बांध के रखा? चलिए निकाल के पढ़िए, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा तिमोथियुस 4:9-11 तक। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, पौलुस अपने बेटे तिमोथी को पत्र लिखते समय कहता है मेरे पास जल्दी से आ जा, शीघ्र आ जा, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर, एक व्यक्ति है, एक विश्वासी है जो देमास नाम का है और वो संसार में वापस चला गया है, बैकस्लाइड हो गया है और संसार में, संसार को प्रिय जानकर संसार में चला गया है और पौलुस अकेला है और मुझे छोड़ दिया है। उसने मुझे क्या कर दिया है? पौलुस अपना दर्द अपने बेटे के साथ शेयर कर रहा है। कहां करे बेचारा, शादी करी नहीं, पत्नी है नहीं, तो अपने स्पिरिचुअल सन के साथ बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ पढ़ो। और थिस्सलुनीके को चला गया है, और वो देमास जो है वो संसार में चला गया है, थिस्सलुनीके में चला गया है, नगर का नाम है, और वहां चला गया है। और क्रेंसकेस गलातिया को और तीतुस दलमित्या को चला गया है और मैं यहाँ अकेला हूँ। अगली आयत, केवल लूका मेरे साथ है। कौन है? एक राइटर है। कौन है लूका? एक वैद है और एक राइटर है। पौलुस ने जितनी पत्रियां लिखी उनमें लूका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो लिखता था, वो बोलता था, ये लिखता था और अंत में पौलुस अपने हाथ से उस पर साइन करता था। एक ऐसा सहायक लूका पौलुस के लिए बना। आगे पढ़ो। मरकुस को लूका मेरे साथ है, लूका मेरे साथ है। आगे अगली लाइन क्या कह रही है? मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। क्या दिखाई दे रहा आपको इसमें? जिसको अलग कर दिया गया था उसको पौलुस ने क्षमा करके अपने गले से लगा लिया है। हमारी भी कई लोगों ने कई बेइज्जती की है लेकिन हमने उनको सीने से लगाया, सीने से जो आया उसको सीने से लगाया और दिल से माफ करके वो आज हमारे साथ सेवकाई कर रहे हैं। पौलुस जैसा बनना इतना आसान थोड़ी है। पौलुस बन जाए पहले, फिर यीशु की बात करेंगे। पौलुस ने मरकुस को क्या कर दिया है? पीछे की बात को। हम तो गाटा बांध रहे,
बीते दिन तू कहीं करी हमारे साथ, मन कहीं बोलियो, तू कौन चाल सब मैं सब अडे रह तू। हमारे व्यक्ति तो ऐसे आते, पर पौलुस ने क्या कहा, मरकुस को मेरे पास लेके आना, वो अब सेवा में बहुत काम का है। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको बाइबल में से पौलुस का देना चाहता हूं। हम परमेश्वर के वचन में से इसी इस अध्याय के निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय। और जब पौलुस कुरिन्थियों में गया और कुरिन्थियों की कलीसिया में उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को देखा, तो उसने अपना पूरा बिशप बनना, बिशप जो है जैसे अधिकार का इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूं कि अपन पहले उसको पढ़े। यहां तक सुनने में आता है, पौलुस कहता है तुम्हारे बीच में मैं आया हूं, मेरे को बहुत कुछ सुनाई देता है। आप मत समझना परमेश्वर के दास को कुछ सुनाई नहीं देता है, आप बताएं या ना बताएं उसको सुनाई देता है। आपके जीवन में क्या चल रहा है वो भी सुनाई देता है। और पौलुस कहता है मेरे को यहां तक सुनने में आता है, क्या सुनने में आया, कि तुम में व्यभिचार होता है। तुम्हारे अंदर क्या है, कलीसिया में अडल्ट्री है। यह व्यभिचार फैलाने की जगह नहीं है, यह पवित्र बनने की जगह है। लिखा है व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, गैर कौम में नहीं होता। ऐसा व्यभिचार तुम कलीसिया के अंदर कर रहे हो, यह गलत है। अब आगे जब पौलुस इसको सुनता है तो बड़े गुस्से में बात करता है, सजा सुना देता है। क्या सजा सुना दी, पढ़ो, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। हाँ। और तुम तो शोक नहीं करते, तुम उस पर शोक नहीं करते, घमंड करते हो अपने ऐसे बच्चों पर जो चौंच लड़ाते हैं, उनका साथ देते हो। पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर ऐसा व्यभिचार पाया जाता है जो गैर कौम में नहीं है, और तुम उसके उसको सराहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए वो क्या आदेश देता, अगली लाइन में पढ़ो, तुम शोक तो नहीं करते, तुम क्या नहीं करते, तुम इस बात पर दुखी हो कि हमारे बच्चों ने ऐसा कर दिया या हमारे जीवन से ऐसा हो गया, तुम्हें दुखी होना चाहिए। हमारी कलीसिया में ऐसे ऐसी ऐसी गलती चल रही है, ऐसी गड़बड़ चल रही है, हमें दुखी होना चाहिए। हम दुखी नहीं होकर के क्या कर रहे हैं, इस बात पर घमंड कर रहे हैं। तुम शोक नहीं करते, तुम्हें दुख होना चाहिए इस बात के लिए कि कलीसिया में ऐसा हो रहा है, पौलुस कह रहा है। शायद हो सकता है लीडर्स की क्लास ले रहा होगा, लीडर से बात कर रहा होगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी चीजें जो है तुम होने देते हो अपनी कलीसिया में, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, रोको इन चीजों को। और उसके बाद वो कहता है जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए। क्या ऑर्डर दिया, ऐसे काम करने वाले को कलीसिया में आने से मना करो, रोको, जाता है जाने दो, सफाई का काम चालू रखो। पर सफाई करना हमारा काम है। पौलुस ने उस जगह जाकर कहा ऐसे व्यक्ति को जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, और तुम निकाल नहीं रहे उसको, और उतना घमंड कर रहे हो उस पर। आपको पता है इसराइल में, सुनिए ध्यान से, इसराइल में कोड़ी का स्थान नगर के बाहर है, आराम में। आराम एक देश का नाम है, दूसरा राजा 5वें अध्याय में बात कर रहा हूं। आराम का सेनापति बहुत ज्यादा सर से लेकर पांव तक कोढ़ से पीड़ित है, लेकिन सबसे ऊंचे पद पर विराजमान है। यह आराम की कलीसिया नहीं है, यह इज़राइल की कलीसिया है। समझ में आया ना, यहां गलती करेगा तो सजा मिलेगी, मार पड़ेगी, डंडा पड़ेगा, डांट पड़ेगी, बाहर भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि यह इज़राइल है। आराम में आराम का सेनापति
सेनापति होता सबसे ऊंचा पद, जितना बड़ा कोड़ी उतना ऊंचा पद। पर इसराइल के कलीसिया में जो कोड़ी है, पापी है, गुनहगार है, जानबूझ के गलतियां करता रहता है, उसका स्थान नगर के बाहर है। आगे क्या लिखा है पढ़ो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, मैं तो तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास नहीं था जब ये घोटाले हुए तुम्हारे बीच में, ये गंदगी फैली, मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर, अभी आत्मा में मैं तुम्हारे साथ होकर, मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के लिए विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं, ये आज्ञा दे चुका हूं कि वो निकाला जाए। यहां आपको पौलुस का स्वभाव कैसा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऐसा स्वभाव तो आप में है, निकालना आसान है। हम निकालने के लिए नहीं हैं, सुधारने के लिए हैं। पौलुस ने बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया यहां पर, और ये आप सब करते हैं। कोई थोड़ी सी गलती कर दे, तेरी डांट पड़ाऊं, चल तू मेरे साथ। लेकिन पौलुस का एक दूसरा स्वभाव लाता हूं आपके सामने। मैंने वहां भी पौलुस के स्वभाव को आपके सामने रखा, टंटा हुआ, लेकिन जिससे टंटा हुआ कुछ ही दिनों के बाद पौलुस ने उसको गले से लगा लिया और बोला सेवा में वो मेरा बड़े काम का है। ठीक है, उस समय कुछ हो गया, फॉरगेट, फॉरगिव, लेट्स मूव टुगेदर, आओ हम साथ बढ़ें। यहां पर पौलुस के इस अध्याय में अभी आपने इस बात को देखा, पौलुस ने बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया। लेकिन पौलुस का एक और स्वभाव, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हमेशा कड़क कड़क थोड़ी होता हूं, लेकिन जब मैं नीचे उतरता हूं, आपको लगता है मैं बहुत कड़वा हूं? ये जो मैं यहां से जो बोलता हूं ना, ये मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करता हूं। पौलुस यहां पर जो दूसरे पहला कुरिन्थियों के पांचवें अध्याय में क्या कर रहा है, अपने बिशप होने का, अपने ओहदे पर होने का अधिकार इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वही पौलुस दूसरा कुरिन्थियों जब दूसरा पत्र लिख रहा है, तो दूसरा स्वभाव मैं आपका उसके सामने, आपके सामने लाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आप पहले वाले तो बनो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे भी तो, दूसरा स्वभाव भी अंदर ले आओ, अपनाने का स्वभाव। उनकी आत्माएं नाश ना हो जाए इस बात की चिंता करो। और पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसके पांच पद से, यदि किसी ने उदास किया है तो अब एक काम करो आप, चौथे में चौथा पद से पढ़ो, जरा ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से, मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, आंसू बहा बहा कर तुम्हें पहले लिखा था। हेलो, लिखा था, क्या लिखा था? इसलिए नहीं लिखा था तुम उदास हो कि तुम उदास हो जाओ, परंतु निराश हो जाओ, भाग जाओ, कलीसिया छोड़कर चले जाओ, इसलिए नहीं। हम लोगों को क्यों डांटते हैं? सुधार के लिए। हमें अच्छा थोड़ी लगता है कोई आदमी हमारे पास से छोड़ के चला गया, किसी कारण से समझाने के बाद भी अगर वो नहीं माना और फिर उसको छोड़ना पड़ा, तो हमें अच्छा नहीं लगता। आप दिल की बात बोल रहा हूं आज, मन की बात आपसे खुल के कर रहा हूं। हमें दुखी है, दुख है उस बात का जो यहां से छोड़ कर गए, लेकिन वो सुधार नहीं चाहते। लिखा हुआ है बड़े क्लेश और मन से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो जाओ, परंतु इसलिए कि तुम उससे बड़े प्रेम को जान लो, उस बड़े प्रेम को जान लो जो मैं तुमसे, जो मुझे तुमसे है।
मैं कुरिन्थियों की कलीसिया को प्यार करता हूं। इसलिए पांचवा पद पढ़ो, अब ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, यही वाला स्वभाव आपको अपने अंदर लाना है, उसके फ्रूट पौलुस पत्रस जैसा बना दे तो बनो, फिर लो आ जाओ, चलो फिर पढ़ो। यदि किसी ने उदास किया है, यदि किसी ने तुम्हें उदास किया है, निराश किया है, कुछ बातों को लेकर तुम्हारे अंदर विवाद हुआ है, परेशानियां उत्पन्न हुई हैं, झगड़े और ठंडे हुए हैं, तो मुझे ही नहीं, तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। क्या क्या कहा? ये चीज ब्रैकेट में लिखी है, क्या लिखा? उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। हम कई बार कई चीजों में बहुत कड़ाई बरत देते हैं, इतने कड़क हो जाते हैं इतना कड़क भी ना बने, अपने हृदय को इतना कठोर ना करें। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, धर्मियों के लिए नहीं आया है, उनको बचाने आया है जो अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकते, इसलिए आया है। हम सब इंसान हैं, हम सब गलती कर सकते हैं, गलती जो नहीं करता उसका नाम है यीशु मसीह, बाकी सबसे गलती हो सकती है। उसके बाद वो कहता है कि उसके साथ हम बहुत कड़ाई ना करूं, और वरन कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। मैंने जब पिछली बार तुमको ऐसा कड़क आदेश दिया तो तुम सब क्या हो गए थे? निराश हो गए थे, उदास हो गए थे। आगे, ऐसे जन के लिए, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से, ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया, पहले क्या दिया हमने उनको? दंड दिया, वो बहुत हो गया, ऐसा कह रहा है पौलुस। अब आगे क्या लिखा है? इसलिए इससे भला यह है कि, इससे भला जो डांट पीट हुई निकाले गए वो, उससे भला अब ये है, भला क्या है? उसका अपराध क्षमा करो। क्या करो, क्या करो? और पैसा भी इतना बड़ा अपराध थोड़ी क्षमा कर सकते हैं कि कोई व्यभिचार करे और उसको हम कलीसिया में रहने दें। हेलो, मैं एक बात बोलूं आपको, अगर वो इंसान गलती मानने को तैयार है तो व्यभिचार जैसा अपराध भी अगर दाऊद का परमेश्वर क्षमा कर सकता है तो हम कौन हैं? हम कौन होते हैं? इंसान है, गलती हो सकती है। और एक बात बताऊं मैं आपको, उठे हुए में सब उठाने की कोशिश करते हैं, पर उठाना, उठे हुए को क्या उठा रहे हो? गिरे हुए को उठाना एक चुनौती है, और उस चुनौती को आज हर विश्वासी स्वीकार करे, मैं गिरे हुए को उठाने में अपना समय दूंगा, समय लगाऊंगी, जो कमजोर है उसको उठाऊंगा। लिखा है उसे शांति दो, ऐसा ना हो कि वो मनुष्य उदासी में डिप्रेशन में चला जाए, बंद कमरा करके रहने लग जाए और किसी की ना सुने। ऐसी खतरनाक दशा में उसे जाने से पहले बचा लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पौलुस जैसे बनो। पौलुस ने क्या किया? डांट की जगह डांट है, प्यार की जगह प्यार है, हैं जी, डांट की जगह डांट है, क्षमा की जगह क्षमा है। हमेशा पौलुस के अंदर कड़वाहट नहीं बना के रखी पौलुस ने, बल्कि कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा पत्र लिखा और उसमें लिखा कि भाई जो जिनको जिनको अपन ने पिछली बार डांटा पूटा था, थोड़ा उनको थोड़ा तसल्ली दे दो, उनसे थोड़ा प्यार से बात कर लो, उन्हें थोड़ा सीने से लगा लो, उन्हें फिर से संगति में ले लो। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, उसका पहला पद पढ़ो। चलिए अपन अब आगे देखते हैं, ये दो उदाहरण मैंने आपको पौलुस के दिए, पढ़िएगा पहला। चलिए पहले पहले हम पढ़ेंगे पौलुस की इसी बात को, पहला थिस्सलुनीकियों के 5:14। मैं कुछ बातें आपको पौलुस की बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या, आपका रोल क्या है, आपका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कलीसिया में। हे भाई, जो अपने आप को पुराना विश्वासी कहते हैं,
जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत सालों से हैं और पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वचन के जानकार हैं, उनकी ड्यूटी बता रहा हूं मैं, पढ़ो। हे भाइयों बहनों, हम तुम्हें समझाते हैं, पौलुस कहता है, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चल रहे, जो ठीक चाल नहीं चल रहे हैं, उनको समझाओ, उनको क्या करो, पड़ोसी को बोलो जो ठीक चाल नहीं चल रहे उनको समझाना है। कैसे समझाना? डांट के, प्यार से। नंबर दो, समझाओ कायरों को ढाढ़स दो। कायर, डरपोक लोगों को क्या बनाओ? ढाढ़स बंधाओ, हिम्मत बंधाओ, उनको बोलो डरो मत, प्रभु सब ठीक करेगा। कायरों को ढाढ़स दो और निर्बलों को संभालो। निर्बल का मतलब क्या है? जो शरीर में 25 किलो का है उसको, आत्मा में जो कमजोर है, आप बलवंत करने के लिए हो, कमजोर को और कमजोर करने के लिए नहीं हो। मैं आपके कर्तव्य बता रहा हूं, विश्वासी के कर्तव्य, जो अपने आप को 20 साल 15 साल 10 साल 5 साल का विश्वासी बताकर घमंड जताते हैं ना, उनको बोल रहा हूं मैं। यहां लिखा है निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, बॉसिंग मत करो, प्यार जताओ। अगर किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो उसको सहन करो, सहनशीलता रखो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए पढ़िए इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो, और जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। यहां पर एक पॉइंट है बस, एक दूसरे को समझाते रहो। और पड़ोसी को बोलो अपने, एक दूसरे को समझाने की ड्यूटी है अपनी। बोलो भैया, बोलो, हिला के बोलो, अगर सुन नहीं रहा है तो सो रहा है तो जगा के बोलो उसको, हालेलुया हालेलुया। इसी का 30 पद पढ़ो, क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम नहीं, पलटा लेना हमारा काम नहीं है, ये ध्यान रखे हर एक विश्वासी, मैं ही बदला दूंगा, परमेश्वर ही पलटा करेगा। और क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने हमसे कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय कौन करेगा? मैंने तो देखा आप लोग कर देते हो, तुम न्याय करने वाले कौन होते हो? तुम कौन हो उसका न्याय करने वाले, बताओ मुझे। न्याय करना, देना या नहीं देना, ऊपर वाले का। तू काय को बीच में नोकी तिरी करे रे, क्या आप मेरे साथ हैं? पहला कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हेलो प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो क्योंकि जो, चलिए आगे अपन एक और जब उसमें जाते हैं, पहला कुरिन्थियों 4:5, वो मैंने आपको बता दिया कि न्याय प्रभु करेगा, वहां पे ऐसा लिखा है, पढ़ो। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। पड़ोसी को बोलो न्यायी मत बनो, श्राप मत दो, कड़वा मत बोलो, प्रभु ना आए जब तक किसी का न्याय मत करो। वह अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा, तुम्हारे हाल भी बता देगा, कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा, जो ढापा जाएगा सब उगाड़ा जाएगा। अपने अंदर झांक करके देखो, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, हालेलुया। रोमियो की पत्री 14:1, जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वासियों सुनो, जो विश्वास में कमजोर हो रहे, निर्बल हो रहे, इधर उधर डामाडोल हो रहे, उनको पकड़ो, उसे अपनी संगति में ले लो। क्या करो? अपनी फेलोशिप में लेकर उसे, काय के लिए?
उसको टोसो। हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तू तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसी है, तू वैसी है। अरे ये बोलना बंद करके उसको प्यार से समझाओ, ये गलत है। क्या बोला? जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो। आप आपको लगता है ना ये विश्वास में कमजोर है, आप उसे दूरी बनाते हो। और क्यों? आपको डर लगता है उसकी आत्मा आप में नहीं घुस जाए। हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूं, हैं? ऐसा हो जाएगा? बाइबल सिखाती है, पौलुस सिखाता है, जो विश्वास में निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जो गलतियों में पड़ रहे हैं, चल रहे हैं। क्या आप गलती में नहीं थे कभी? किसी ने आपको भी सहारा दिया ना, किसी ने आपको भी उठाया, आप भी उठाओ। और उसका रिवार्ड बहुत बड़ा है। 5 प्रकार के ताज हैं ऊपर मिलेंगे। जो जितने लोगों को गिराएगा, ठोकर खिलाएगा, वो ताज खोएगा। अपनी बोली से आप ताज कमा सकते हो, और अपनी बोली से, अपने एक्ट से आप ताज गंवा सकते हो, परंतु उनकी शंकाओं पर वाद विवाद करने के लिए नहीं, उसके गुनाह के ऊपर। बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं? गुनाह पे बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हम उसकी गलती कमजोरियों पर बात करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको अपनी संगति में लेकर प्यार से उठा दें। चलिए 15:1 पढ़िए, इसी का 15:1, रोमियो 15:1। अतः हम बलवानों को चाहिए कि हम बलवानों, बोलो आप बलवान हैं, ऐसे बोलो, पहले बोलो मैं बलवान हूं। अब बलवान की ड्यूटी क्या है? कि निर्बलों की निर्बलताओं की, जो निर्बल है, जो पाप में आकर्षित हो रहा है, जो घिर रहा है, जिसे शैतान अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, हमारी ड्यूटी बनती है बलवानों की कि हम उसको उसकी निर्बलताओं में उसका साथ दें, उस कमजोरी में से उसे, उस गुनाह में, अगर कोई गुनाह में पड़ा हुआ है तो उस गुनाह से उसे पार लाए। उसको गंदी आदत है, मान लीजिए गालियां बोलने की, आप उसे बोले, प्यार से बात करें, ब्रदर बाइबल का वचन कहता है अपशब्द ना बोलो। गाली बोलता दूर रहो इसे, और दूर रहो तो वो 2-4 और बोके बोलेगा, लेकिन अगर आपके पास आ जाएगा, हो सकता है आपके प्यार में सब कुछ भूल जाए। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को, निर्बलताओं को, उनकी कमजोरियों को सहें, न कि अपने को, ना कि अपने आप को, जो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, इस बात पे घमंड ना करें कि आप मेरे साथ हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 9:22 पौलुस कहता है, अब देखिए मैं पौलुस का गुण बताता हूँ आपको। आपने गाना गाया ना, पौलुस पत्रस जैसा बना दे, तो बनो अब। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। क्या बना? जब आपके पास कोई निर्बल आता है, अपने आप को आप क्या समझाते हो, समझ दिखाते हो, मैं बहुत बलवंत हूं। कोई आपसे प्रार्थना कराने आता है, उस बात में भी आपको घमंड हो जाता है। अब तो लोग मेरे पास भी आते हैं प्रार्थना कराने। अच्छी बात है, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं निर्बलों के लिए क्या बना? निर्बल सा बना, मतलब आपको अगर किसी निर्बल को खींचना है, मुझे अगर ई बाई ने उठाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, मुझे नीचे आना पड़ेगा। इसके पास उतरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को हमें बचाना था, स्वर्ग छोड़कर नीचे आया, स्वर्ग छोड़कर नीचे आया। हम निर्बलों को, हम पापियों को बचाने के लिए अपना कंफर्ट छोड़ा। हम हेलो हम क्या कर सकते हैं मालूम है? हेलो, एक निर्बल व्यक्ति के पास जाओ, खड़ा होना बेटा। इस निर्बल का हाथ पकड़ा, ठीक है, आजा। अगर मैं नीचे नहीं जाता तो क्या मैं इसको इस तरीके से यहां ला सकता था?
कितनों को समझ में आई ये बात? ताली बजा के प्रभु को महिमा। बैठ जाओ। आपको निर्बल व्यक्ति को उठाने के लिए अपना कंफर्ट, अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। अपनी आत्मिकता पर घमंड आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको नीचे आना पड़ेगा, उसके स्तर में जाना पड़ेगा और उसे वहां से खींच कर लाना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने बहुतों को खींचा है। मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं यह बात। किसी को उठाना है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आत्मा में कैदी आत्माओं के पास गया, वहां से बहुतों को खींच लाए। आमेन। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक लोगों का उद्धार करा दूं। लक्ष्य क्या है? पौलुस का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? उद्धार। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं? हालेलुया। उसके बाद पहला कुरिन्थियों 8:11 पढ़िए जल्दी से। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई, ऐसा ना हो कि तेरे ज्ञान, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है ना, ज्ञान ना पकारे। कई बार हमारा ज्ञान ले डूबता है लोगों को। लिखा है इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा है, ऐसा नहीं हो वो नष्ट हो जाए। झोंपड़ी में जब जाओ तो झोंपड़ी वाले बन जाओ, है जी। गांव में जाओ तो गांव वाला बन जाओ। उनको यदि ऊपर लाना है तो हमको उनकी झुकी झोपड़ियों में जाना पड़ेगा। चलिए अगली आयत और पढ़ेंगे हम। गलतियों 6:1-2। गलतियों 6:1-2। मैं पिरो के लाया हूं माला। हे भाइयों, हाँ हे भाइयों, यदि कोई और बहनों, दोनों है इसमें, हे भाइयों बहनों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, कलीसिया के अंदर कोई अपराध कर दे, अपराध में पकड़ा जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, तुम कौन है? हम कौन है? हालेलुया। हम पानी भी अन्य भाषा में पीते हैं। आत्मिक, इतने आत्मिक हैं हम कि पानी, रोटी पानी की दुआ में भी अन्य भाषा चलती है। अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है जो अन्य भाषा में बातें करते हैं? कितने लोगों को अन्य भाषा का दान मिला हुआ है? जरा हाथ ऊंचा करें। काफी लोग हैं। अरे डर क्यों रहे हो? तुम परेशान क्यों हो? हाथ उठाओ। नहीं मिला है तो मिल जाएगा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ, कैसे? नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। ऐसों को कैसे संभालना है? नम्रता के साथ। नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है? और अपनी भी चौकसी रखो। ये जरूरी है। काउंसलिंग करते करते कहीं खुद बर्बाद मत हो जाना। कई बार शैतान इस चीज का भरपूर लाभ उठाता है। हम लोगों की काउंसलिंग करते करते क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो अगले की कमजोरी हमें मालूम पड़ जाती है। फिर उस कमजोरी का हम क्या उठाएं? पड़ोसी को बोलो ऐसा कभी नहीं करना। नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो, ना गिर जाओ। उसके बाद चलो इब्रानियों 13:3। कैदियों को ऐसी सुधि लो। कैदियों की भी सुधि लो। कैदी की कौन सुधि ले? उसने मर्डर किया है या उसने हत्या की है, चोरी की है, जो भी किया है, इसलिए वो जेल में है। भाई साहब सजा तो भुगतेगा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कैदियों की सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी क्या हो? कैद हो। ऐसे प्रतीत कराओ जैसे आपको उनके कैद में होने का एक बहुत बड़ा, उनके लिए आंसू बहाओ, उनके लिए प्रार्थना करो,
उनके कैद पर उन खुशी मत जाहिर करो, लिखा है उनकी भी ये समझा कर पढ़ो बेटा। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, यहां पर भी होता है बुरा बर्ताव, कोई भी वॉलंटियर, कोई भी बंदा किसी के साथ भी बॉसिंग शुरू कर देता है, बुरा व्यवहार शुरू कर देता है, सताने लग जाता है उसको। कमजोर है तो क्या करो, आपको किसी की बारे में कोई गलती या कमजोरी मालूम पड़ी, आपका क्या फर्ज है भाई साहब उसको चर्च से निकाल दो? नहीं, हम जाएं उसके पास और उससे कहें बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करने आई हूँ, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें, वचन से समझाओ, पूरी सहनशीलता, प्यार दिखाओ, 4 एप्पल ले जाओ उसके लिए, बीमार है तो 4 मौसम में ले जाओ उसके लिए, कमजोर है तो 4 एप्पल ले जाओ ताकि ताकत आ जाए, प्यार दिखाओ अपना, जेब खर्च करो, पर्स खाली करो, सिर्फ डांटते मत रहो। उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि वो भी हमारे हमारा शरीर है, हमारा अंग है। अंग से किसी को बैर होता क्या है? आपके कौन से अंग से आपको बैर है बताओ, चलो एक भी अंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं जी। हम सब आपस में एक दूसरे का अंग है, एक अंग में प्रॉब्लम है तुरंत इलाज कराओ, तुरंत मेडिसिन दो, तुरंत दवाई दो, तुरंत घाव को चंगा करने के लिए मरहम लगाओ, पट्टी बांधो, कोसो मत बिने। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए उसके बाद यूहन्ना 1:27, विधवाओं की सुधि लो, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। कौन है ये? कौन है ये? बाइबल में यूहन्ना के लिए क्या लिखा है? स्त्रियों में जिसमें जन्म हुआ उनमें सबसे बड़ा है, वो अपने आप को इतना नम्र कर रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? आप ही करो ना, मैं घटूं तू बढ़े। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 2:5-11, अभी हमने पढ़ लिया इसको, अभी हमने पढ़ा इसको। पौलुस क्या कर रहा है? जिनको निकाला है उनके प्रति अपना प्यार दिखा रहा है, है ना? उसके बाद पढ़ो प्रेरितों के काम 20:35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हें, अब फंस गए आप, मैंने तुम्हें, पौलुस ने तुम्हें निर्बलों में निर्बल बना, नीचे उतरा अपना। आपको पता है पौलुस कितना पढ़ा लिखा था? उस जमाने का सबसे लर्नेड व्यक्ति था, नंबर वन। एक इतना ऊंचा व्यक्ति कितना नीचे आया ताकि बहुतों को अपने पास खींच ले। हालेलुया। ताली बजाना है तो ढंग से बजाओ। हालेलुया। ओ पौलुस कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करके निर्बलों को संभालना, परिश्रम करके तुम्हारी कमाई में केवल तुम्हारा हक नहीं है। भाई साहब हम तो अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए वो जो तुम कमा रहे हो ना उस पर श्राप पड़ा हुआ है, थोड़ा आशीष के लिए। हम मैं क्या करूं, वो बाइबल की 6 आयत देने के लिए बोलती है, हर 6 आयत
देबा के विषय में बोले दिया करो दिया करो। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा ना, वो कह रहा मैंने परिश्रम किया, मैंने जो कमाई की उस कमाई में केवल मेरा हक नहीं बहुतों का हक है। लेकिन पौलुस कहता है मैंने परिश्रम करके अपने साथियों की आवश्यकता को पूरा किया, मेरे परिश्रम में मैंने जो कमाया उसमें दूसरों को भी सहभागी किया, अपने साथियों को। पढ़ देना भाई जरा पूरी आखिरी आयत है। और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। नहीं नहीं 20 का 35 पूरा करो जी। जो उसने आप ही कहा है हाँ? लेने से देना धन्य है। हाँ मेरे अजीजों, पौलुस जैसे चला वैसे हम भी चले। पौलुस ने कितना जबरदस्त हार्ट रखा है ना, ये सब कुछ उसने किससे सीखा? यीशु से। किससे सीखा? यीशु। यीशु हमारा मॉडल है। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर आज हम एक प्रण लें, निर्णय लें कि हम जो कुछ आज हमने सुना है हम पौलुस के समान हृदय रखेंगे।